करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संजय जाटव ने रिटर्निंग अधिकारी ननमूल पहाड़िया के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया और साथ ही इस दौरान कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा और विधायक भरोसीलाल जाटव सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री रमेश मीणा ने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा कि उनका भाजपा कांग्रेस में आने जाने का ही काम है। वहीं किरोड़ी लाल पर तंज कसते हुए कहा कि किरोड़ी लाल का पार्टी में अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। नागौर की सीट से ज्योति मुर्दा चुनाव जीतेंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उससे हनुमान बेनीवाल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लोग बार्गेनिंग करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में, कल निर्दलीय, कहीं कहीं तीसरी पार्टी में जाएंगे, कहीं चौथी पार्टी में जाएंगे, और इन जनता जान चुकी है, जो आज यहाँ है कल वहाँ है परसों यहाँ है, इन लोगों पर जनता विश्वास नहीं करेगी। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, 36 कौम की पार्टी है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हैं।